मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। दोस्तों, आई एम श्योर आपके साथ भी ये दिक्कत रहती होगी। क्या आप पढ़ाई तो काफी अच्छे से कर लेते हैं, आप 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल जब आप एग्जाम देने जाते हैं या जब टीचर आपसे कुछ पूछता है तब आपको वो चीज याद नहीं रहती है। तो क्या आपके साथ कोई दिक्कत है या ये कोई और ही फंडा है? नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ एबनॉर्मल हो, कि आपको ही याद नहीं रहता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमें ज्यादा देर तक रिटेन रहे, तो आज इसके बारे में अच्छे से बात करें। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार, MBBS फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। तो ये चीज कोई बहुत यूनिक नहीं है। मोस्ट ऑफ अस नीड मल्टीपल रिविजन्स बिफोर वी कैन लर्न समथिंग। हम कुछ चीज पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, स्पेसिफिकली आपकी मेमोरी काम कैसे करती है। तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि जब भी आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप थोड़ा स्लो होता है तो जो सारे ओपन एप्लीकेशंस होती हैं आप उनको क्लियर कर देते हो, एंड फिर मैसेज लिखा होता है इतनी MB मेमोरी क्लियर्ड। वो जो मेमोरी है वो आपके डिवाइस को स्मूथली रन करने का काम आती है। लेकिन जो आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सब चीजें वो कभी डिलीट नहीं होती, वो परमानेंट मेमोरी का पार्ट होता है। तो हमारे जो डिवाइसेज हैं उनमें एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। सेम हमारे ब्रेन में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो जब आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। आपने आज क्या पहना है, आपने कल रात डिनर क्या किया था, आज आप क्या करने वाले थे, ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक आपके ब्रेन में नहीं रहती। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ आज से एक महीने पहले आपने 2 अक्टूबर की रात को क्या डिनर किया था, I don't think आप में से 99% से भी ज्यादा लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, एंड विद टाइम वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्लियर रखना पड़ता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। लेकिन आपको याद होगा आपका बर्थडे कब था, आपका कोई जो स्कूल का फर्स्ट डे था वो कैसा था, ये सारी चीजें आपको क्यों याद रहती हैं? क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी अच्छी वाली मेमोरी है जिसमें हम पुरानी सारी चीजें याद रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। तो हमारा जो गोल है पढ़ाई को लेके वो ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में इफेक्टिवली कन्वर्ट करें, एंड उसका जो सबसे अच्छा तरीका पाया गया है वो है रिविजन। अब आई एम श्योर आपने चीज सुनी होगी अपने टीचर से भी या किसी यूट्यूबर से, किसी इन्फ्लुएंसर से, कि रिविजन सबसे अच्छा तरीका है चीजें याद रखने का। बट स्टिल आपको लगता होगा कि यार हमने 4 रिवीजन कर लिए तब भी हम सिर्फ 70% के अराउंड रिटेन कर पा रहे हैं, 30% इन्फॉर्मेशन हमारी तब भी मिस हो रही है। तो क्या साइंस की हेल्प से, साइकोलॉजी की हेल्प से हम कोई ऐसा तरीका देख सकते हैं कि जो आपकी रिटेंशन पावर है वो 90% या इससे भी ऊपर रहे? ग्लैडली द आंसर इज येस, एंड कोई भी बहुत भारी भरकम चीज नहीं करनी आपने। आपने सिर्फ अपने ब्रेन की जो वायरिंग है उसका यूज करना है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस्ड रिवीजन हैज बीन फाउंड टू द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिटेनिंग थिंग्स। तो क्या होता है स्पेस्ड रिवीजन? अब इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, एंड इनमें से मैं आपको 2 सबसे जो कॉमन टाइप्स हैं वो बताऊंगा, एंड जो पर्सनली मैं यूज करता हूं अपनी इंफॉर्मेशन याद करने के लिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देन यू हैव द चॉइस कि आप इन दोनों में से किसको यूज करना चाहते हैं। तो स्पेस्ड रिवीजन रेफर्स टू कि आप जो अपनी रिवीजन है उसको स्पेस कर दीजिए, उसके बीच में स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ले आइए, और वो इस तरीके से हो कि जब भी आपकी इंफॉर्मेशन में डिप आ रहा है, मेमोरी में डिप आ रहा है, आप रिवाइज करके उसको फटाफट से ऊपर ले जाए। तो जो 2 सबसे इफेक्टिव तरीके हैं उनमें फर्स्ट तरीका है कि आप आज जो पढ़ रहे हैं वो day 0 है। कोई भी तरीका हो, day 0 रेफर्स टू जो आप आज पढ़ रहे हैं। आप day 1 पे फर्स्ट रिवीजन लेंगे, मतलब अगर आपने आज फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप 24 आवर्स खत्म होने से पहले कल उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्यों? अगर 24 आवर्स से ज्यादा हो जाता है तो 50% तक इंफॉर्मेशन पहले ही लॉस हो चुकी है। तो यू हैव टू मेक श्योर आपकी फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स आ जाए। इसके बाद आप सेकेंड रिवीजन थर्ड डे करेंगे। तो अगर आज day 0 है, कल day 1 है, day 2, day 3 पे आपने सेकंड रिवीजन की, एंड day 10 पे आपने थर्ड रिवीजन की।
इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूं एंड इसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है चीजें याद करने में, कॉन्सेप्ट्स को याद करने में, उसमें भी डे जीरो आज आप पढ़ रहे हैं, कल डे वन पे आप फर्स्ट रिविजन लेंगे, यहां तक सेम है, लेकिन आपकी जो सेकेंड रिविजन है वो डे सेवन पर आएगी। तो आप सेवंथ डे यानी कि एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे एंड जो नेक्स्ट रिविजन है वो आप डे 28 यानी नियरली 4 हफ्तों के बाद उस चीज को दोबारा पढ़ेंगे। अब इन दोनों तरीकों से ही जो आपकी रिटेंशन पावर है दैट वुड बी मोर देन 90% एंड उतना सफिशियंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब आप दोनों को यूज करके देख सकते हैं एंड जो भी आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है आप उस पर स्टिक कीजिए एंड उसको यूटिलाइज करिए। अब ये एकदम से आपके ब्रेन को इसकी आदत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिजल्ट्स दिखेंगे, यू हैव टू बेयर विद इट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 weeks, एक दो हफ्ते बाद आप फिर रिजल्ट देखिए एंड आई एम श्योर आपकी जो रिटेंशन है वो काफी हद तक बढ़ चुकी हो। तो आप देखिए यार, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो या कोई और, हमारी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम नीट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के ऑन एन एवरेज 100 चैप्टर्स के अराउंड आते हैं एग्जाम में, तो 100 चैप्टर्स के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, कितने फॉर्मूले, कितनी सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, उसको याद करना इज नॉट एन इजी टास्क। सो यू शुड टेक दिस हेल्प ऑफ साइकोलॉजी कि आप अपनी रिटेंशन पावर को इजिली मैक्सिमाइज कर सकें। इस तरीकों को यूज कीजिए एंड अगर आप इसको यूज करते हैं या आप इसको कोई मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं देन प्लीज लीव अ कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं एंड आई विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।